खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से है, जहां पर शिवगांव तालुका की कृषि उपज मंडी समिति ने तहसीलदार को लिखित में बयान दिया है कि वंचित बहुजन अखाड़ी प्रोफेसर किसान चौहान के नेतृत्व में शिवगांव तहसील कार्यालय के सामने यहां बोधेगांव बलमतकली पुराने किसान के दैनिक कृषि मार्ग को अतिक्रमण करके बंद कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर अहमदनगर जिला उपाध्यक्ष बानुभाई शेख, तालुका अध्यक्ष प्यारेलाल शेख और महिला तालुका अध्यक्ष संगीता डबले, संजय भोकले, श्रीधर भोकले, बाबा साहब भोकले, पिछड़ा वर्ग के किसान व परिवार के सदस्य तहसील कार्यालय शिवगांव में आंदोलन पर बैठे हैं। बोधेगांव के जो दलित किसान हैं, इनका जो खेत में जाने का जो रास्ता था, वो कई सालों से संबंधित जो राजनेता है, जो बड़े राजनेता है, उनके दबाव के कारण बंद किया हुआ है। ये लोगों ने लगातार 2 साल से वहाँ रास्ता खुला करने के लिए तहसील कार्यालय और तहसील के अधिकारियों के लिए सामने न्याय मांगा, लेकिन उनको कोई न्याय मिला नहीं। और वो लगातार 40 साल से वो रास्ता बंद है और उससे उनको दिक्कत आ रही है, परेशानियाँ हो रही है। खेत में जाने के लिए उनको रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ न्याय मांगने की कोशिश की। इस संदर्भ में हमने 5/12/2022 को यहाँ अनशन करने का हमने उनको निवेदन दिया था और इसलिए हम आज अमरण अनशन कर रहे हैं। आज आम्ही इथे तहसील कार्यालय समोर उपोषणासाठी आलेलो आहोत, कारण एक दलित कुटुंबावर धनदाण यांनी अत्याचार अन्याय करून त्यांचा रस्ता दाबलेला आहे आणि तो रस्ता खुले करण्यासाठी आम्ही आज इथे उपोषण करण्यासाठी आलेलो आहोत। तरीही तहसीलदार साहेबांनी आत्तापर्यंत कोणतीही दखल घेतलेली नाही आहे, आणि जर त्यांनी दखल घेतली नाही तर आम्ही इथं अमर उपोषण करणार आहोत।